अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी हो रहा हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त है, यानी कि तकरीबन सुबह सुबह हमारी सुबह सुबह 8:30-9, और इसके दरमियान जैसे ही मैं लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था बड़े ही मज़े के साथ, तो हमारी वाइफ आती है रूम में, और हमारे पीछे साथ दीवार में, मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन जहाँ पे मेरी फिंगर है ना, इसी जगह पे बिच्छू जो है ना, सॉरी कनक जो है। पिंकी मिल गया मिल गया मिल गया, जूती लेके आ, जूती लेके आ, जूती लेके आ। लो गाइस ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मिल गया मिल गया मिल गया। और इसने, मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में बताता हूँ। तुम थोड़ा सा क्लीन जो है ना, हटाओ, ठहरो ठहरो ठहरो, ये लो लो जी गाइस, शिकार पकड़ा। ओ फिर भाग लेना, कस फिर भाग गया। नहीं, ये देखें, ये जूती के साथ चिपक गया। चले अगली स्टोरी में अब आपको बताता हूँ। ये लो जी, इसको ऐसे लेके जाओ, इसमें फेंक दो पानी में। पागल है, बाहर जाके ना इसको थोड़ा सा सीढ़ी में रगड़। मौके वारदात भाई, सबूत के साथ आपको मैंने बता दी और दिखा दी है कि मैं लेटा हुआ था, जहाँ पे अभी फिंगर का निशान आपने देखा है, इसी जगह पे मुझे मेरी वाइफ कहती है कि वसीम ये आपके पीछे क्या है, वो कितना गंदा सा कीड़ा है। मैंने सोचा ये आराम सा कीड़ा होगा जैसे होते हैं घरों में, लेकिन ये कान खजूरा था। हमारी ज़ुबान में इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता, पता भी होगा तो अभी जहन में नहीं आ रहा इसका नाम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पूरे, हम दोनों मियाँ बीवी ने, क्योंकि बच्चे भी सोते हैं, बड़े भी सोते हैं, और ये इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन है ख़तरनाक, कान में घुस जाए। इसका नाम ही कान खजूरा है पाकिस्तान में, और भी किसी जगह पे शायद। तो अभी तसल्ली होगी, अपने हाथों से सुबह सुबह टिकाने लगा दिए। उससे पहले दिखाता हूँ कि हमने सारे बिस्तर शिस्तर तकिए शकिए गुलाब शुलाब उतार दिए, और मैं इसको कह रहा था बेगम को, कोई वो भी हैरान थी इस बात पे कि यार इतनी जल्दी ये गायब कैसे हो गया, और मैं भी इसी बात पे हैरान था। और एक्चुअल में ये रूम में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लीनिंग के हवाले से हमारे घर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी वालदा आती हैं, जो सारा दिन क्लीनिंग में लगी रहती हैं, अपने रूम के, किचन के, वॉशरूम जो भी है। उसके बाद हमारी जो घर की खवातीन हैं, सारा दिन क्लीनिंग करती हैं। बकायदा हमने सफाई के लिए रोज़ सफाई होती है, डस्टिंग होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी मौसम ऐसा है कि इस मौसम में ये कीड़े मकोड़े एक आम सी और नॉर्मल सी बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए हमने अपने पूरे रूम का सत्यानाश कर दिया है, सारा कुछ जो है। ये देखिए अपना मैटर शैटर सामने, इसमें सारे शाड़ वाड़ जो है ना उधर कर दिए आपने सारे। ये देखिए हर चीज़ को जो है ना पूरा गुदड़ मुदड़ पूरा रूम हो गया है। तो कहने का मतलब है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है, तसल्ली हो गई है कि वो पकड़ा गया है। अगर वो ना पकड़ा जाता तो सारा दिन जो है ना फिर दिल में दिमाग में यही लगा रहना था कि बच्चे भी लेटेंगे, खुदा ना हादसा कोई नुकसान ना पहुँचाते। तो ठीक है, फिर आज देखते हैं इंशाल्लाह आज के दिन की, हमारी सारे दिन की एक्टिविटी क्या होती है जी इंशाल्लाह। तो जी अभी जाके लेके आए थे दही, माँ जी ने नाश्ता करना है, वाइफ ने नाश्ता करना है, और मैंने भी नाश्ता करना है, अबू ने नाश्ता करना है, अबू तो चाय पियेंगे, मैं थोड़ी सी दही खाऊँगा। यार मेरी दही में इतनी चीनी ना डाला करो यार, ये मेरी है, देखना चाहिए कितनी ज्यादा है ये ना, दांतों में जब क्रिच क्रिच करती है ना तो मुझे फिर बड़ी इंटेंसी होती है, सही मिक्स नहीं होती है। अम्मी की तरह आ जाओ माँ जी, माँ जी रूम दी चो कन खजूरा निकले, कन खजूरा मेरे रूम चो। इधर मैं लेटिया वहां ते इन्ने को आए थे, पिंकी मेरे कह रही दीवार से की चल रहा है, देखो किड़ा गद्दा गद्दा ले कीड़ा है। मैं है आम जहा कीड़ा कोई होएगा, वो वेख्या तो कान खजूर, मैं तकिए नपे है, तकिए चो निकल गए सैड से, इन्नी जल्दी दे विच गायब होया कि सुनो ना सही ना, इन्नी जल्दी ना गायब होया, तकिए थले वेख सारे तकिए गुलाफ लाई, तो मैटर की चादर चुक दी थी, सामने बारी जो छाड़ पाए ने वह चुक दी, तो क्लीन चुक दी था, कोई चक्कर नहीं। यकदम इंज अचानक मैं फिर जो मैट चुके क्लीन थोड़ा जहा इंज किया तो वो थले बैठा फटाफट जुत्ती ना मारिया। मौसम भी इंज ना कट के बाहर
शुगर की गोली मार के देते हैं सादा पानी मार बर्तन जो है ना घर के वो खत्म नहीं होते। सलाम अलैकुम वाला शकर उठ के आ गए। हेलो महाराज सुबह सुबह परतियां शुरू। ये लो नजला लग गया सोने को नजला लग गया है। लो जी तस्वीर फातिमा उठ चुकी है तो बस अब ई तो ऊं शुरू हो जाएगी। अपने नाश्ते के बाद फिर चलते हैं अपने दूसरी फैमिली की तरफ अपने चिक्स और पैरट की तरफ। उनके नाश्ते का कोई बंदोबस्त करते हैं देखते हैं वो किस हाल में और आपको भी दिखाते हैं कि आज मेरा ख्याल है तकरीबन वो 3 हफ्ते के हो गए हैं। 3 हफ्ते के पूरा नहीं कह सकते लेकिन चलो 12 से 13 दिन कह लें। 1-2 दिन जो है ना आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि 1 हफ्ता तो हसन भाई के पास यानी कि 7 से 8 दिन हुए थे। उसके बाद 1 हफ्ते से ज़्यादा तो मेरे पास भी हो गए तो माशाल्लाह 3 हफ्ते बन ही जाते हैं।